चाट को चटपट बनाता है काला नमक। आइए जानते हैं ये काला नमक आखिर बनता कैसे और कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने के लिए। सबसे पहले गाय के उपले लिए जाते हैं, उसको ऐसे ब्रिक वर्क में लगाया जाता है मैन्युअली और ये बीच में छेद करके कि आग अच्छे से लग सके। उसके ऊपर से यहाँ पे कच्चे कोयले डाले जाते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे एक रबड़ की जो ट्यूब है उसको जलाया जाता है। लेकिन ये बड़ा डेंजरस बात है, अगर आप पे गिर जाए जलता हुआ रबड़ तो ये आपकी स्किन तक जला सकता है। उसके बाद फिर उपले लगाए जाते हैं, उसके ये स्पेशली घड़े लिए जाते हैं। ये घड़े स्पेशली इसलिए बनते हैं कि वन टाइम यूज हो सके और ये घड़ों को इस तपती हुई आग में लगाया जाता है। हम तो 2 मिनट में जवान का स्वाद चटकार लेके चाट का खा लेते हैं, लेकिन बनाने में कितनी मेहनत लगती है हमें नहीं पता। अब ले रहे ये मोटा सेंधा नमक, जिसको हर एक ये पॉट के अंदर इसको भरेंगे, कम से कम 4 से 5 किलो डालते हैं इसमें, लेकिन ये अंदाजे से डाल रहे हैं इसको इस वक्त यहाँ पे। थोड़ी देर बाद इसमें जाती है साबुत हरद। हरद एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई करता है। अब देखिए ऊपर से भी कोयला डाला जा रहा है, ये 24 घंटे बेक होएगा और इसके ऊपर अब ढक्कन दिया जा रहा है। तो 24 घंटे के बाद ये काम होता है लेयरिंग के अंदर। तो ये जो लॉट है ये कल मिलेगा, जो आज का जो लॉट है जो तैयार है उसमें से ये निकाल के दिखा रहे हैं। और अभी भी ये काफ़ी गर्म है, काफ़ी हीट रिटेन कर रखी है इसने। तो इसको ऐसे तोड़ दिया जाता है और इसमें से एक ऐसा काला क्रिस्टल टाइप निकलता है जब इसको तोड़ा जाता है, और यही से पूरे देश में जाता है ये काला नमक।